जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, बोल भारत माता की जय। दोस्तों, आज का ये वीडियो प्राइवेट पार्ट्स में मेडिकल पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है। प्राइवेट पार्ट्स में जो आपका आर्मी में मेडिकल होता है या एसएससी जीडी में जो मेडिकल होता है उसके प्राइवेट पार्ट्स के लेके स्पेशली लड़कों के लिए वीडियो है। देखिए, जब भी वहाँ पर मेडिकल होता है, आप सबको इतना तो पता है कि ग्रुप में वहाँ पर चेक होता है ना, ठीक है, 8 बंदों का 10 बंदों का। इसी प्रकार एसएससी जीडी में, इसी प्रकार आर्मी में चेक होता है टेंथ के अंदर, ठीक है। yes, sir. तो बेसिकली वहाँ पर चीजें क्या चेक की जाती है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, उनको लगता है कि थोड़ी बहुत भी अगर इधर उधर 19-20 का फर्क है तो भी उनको पॉइंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले वहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स में क्या चेक करते हैं, आपके वर्षण यानी गोलियों में क्या चेक करते हैं कि एक तो दो गोली होनी चाहिए, तीन नहीं, वैसे होती है तीन भी और एक भी, लेकिन वैलिड कौन सा होगा, दो। जिसके एक गोली है वो भी आर्मी की तैयारी ना करे, ना ही एसएससी जीडी की तैयारी करे, दो गोलियां होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पकड़ कर देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में उनकी जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज होता है कि सभी की साइज आप खुद ने देखी होगी, आपके किसी भी वर्षन की साइज बिल्कुल बराबर नहीं है, दोनों नहीं है ना, हल्का सा फर्क होता है 19-20 का नॉर्मल सा, ठीक है, दोनों गोलियां बिल्कुल 100% बराबर नहीं होती, हल्का हल्का सा फर्क होता है सबके। दूसरी बात, जो उसकी जो लेंथ होती है क्या होती है, नीचे जो रहता है ना उनमें से एक हल्का ऊपर रहेगा, रहता है ना हल्का ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो गुर्दे के कारण, लंग्स के कारण होता है, ठीक है। ज्यादातर देखना आप दाई तरफ का जो आपका वर्षण है वो हल्का नीचे मिलेगा, ठीक है, दूसरे की बजाय हल्का नॉर्मल, ज्यादा नीचे नहीं, हल्का नीचे मिलेगा। तो ये चीज चेक होके, तो जिनके ये प्रॉब्लम है हल्की फुल्की वो टेंशन लेने की जरूरत है। इसके बाद में लिंग में आर्मी में आपको बताया, होल इज नॉट प्रॉपरली, यानी जो लिंग का जो छेद होता है कईयों के सही स्थान पर नहीं होता है, बहुत नीचे होता है, ठीक है, उसका भी पॉइंट मिलता है। लिंग का छेद कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, अगर वो नीचे है तो उसमें भी मेडिकल पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे जैसे लिंग में टेढ़ापन है, ठीक है, या साइड की वजह से, तो वो किसके कारण होता है पता है, टेढ़ापन अंडरवेयर के कारण, किसके कारण, अंडरवेयर या पेंट जो आप अंदर पहनते हैं उसके कारण होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइट अंडरवेयर पहनते हैं या अच्छी पहनते हैं, वी शेप वाली आजकल जो चलती है, तो उससे क्या है, वो लिंग को कंट्रोल में रखती है, लेकिन जो वो पहनते हैं ना बड़ी बड़ी वाली, उसमें कंट्रोल में रहता रही है, तो एक साइड रहने लग जाता है तो उधर से हल्का सा टेढ़ापन आ जाता है, लेकिन उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आपकी वहां पर स्किन ऊपर करके, क्या करके, स्किन ऊपर करके चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, छेद चेक करते हैं, और छेद कैसे होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए सामने, ठीक है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, वो साइड में या नीचे नहीं होना चाहिए, उसका पॉइंट देते आर्मी में, ठीक है। ऐसे जीडी में तो इसका होल इज नॉट प्रॉपरली का पॉइंट नहीं है, लेकिन आर्मी में ये पॉइंट बार बार दिया जाता है। इसके बाद में अगर पीछे की बात करें तो पीछे दो चीज चेक करते हैं, बवासीर और पाइल्स, क्या चेक करते हैं, बवासीर और पाइल्स, आपको क्या करते हैं, बैंड हो जाए इधर ऐसे, हो बैंड हो, पूरा पूरा बैंड हो जाए। अब खांसने के लिए बोलते हैं, खांस जोर से खांस, खांसने के लिए क्यों बोलते हैं पता है, आप अगर खांसोगे तो पीछे का होल ओपन हो जाएगा, जोर से खांस भाई, अगर ऐसे खांसते जोर से ऐसे करके तो पीछे का होल जल्दी से आसानी से ओपन हो जाता है, आराम से वो देख सकते हैं। वो ग्लव्स पहने रहते हैं हाथ में, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो डिटेल में ज़्यादा चेक के खड़ा रहता, तो वो कोई इतना ऐसे चेक नहीं करते। आप जैसे खांसोगे, अगर किसी के पाइल्स होगी तो एक वाइट सा सर्कल बन जाएगा पीछे, क्या बन जाएगा, वाइट सर्कल बना रहता है, जिसके पाइल्स होती है एक गोला बना रहता है उसके कहाँ पर, पिछवाड़े में, ठीक है। उसके अलावा जिसका मसा होता है उसके क्या होता है, कट लगा हुआ होता है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, क्या होता है, कट, जिसमें से ब्लड भी आता है, ठीक है। पाइल्स की अगर आपके प्रॉब्लम है उसका इलाज है, मसे की प्रॉब्लम है उसका भी इलाज है, दोनों ही बीमारियों का इनका क्या है, इलाज है, लेकिन समय रहते अगर करा ले तो, ऐसा नहीं कि आपके पाइल्स 6 महीने से 12 महीने से 2 साल से है, या बवासीर आपके 6 महीने से 12 महीने से है, तो अगर आपके बवासीर 6 महीने या 12 महीने से है तो वो इतना कट बना देगी वहां पर कि आर्मी मेडिकल आपको भी पास नहीं कर, उनको देखते ही वो कट का पता चल जाएगा। जिनके भी बवासीर होती है ये मान के चलिए उनकी जिंदगी नरक से कम नहीं होती, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करता पड़ना है उन इंसानों को, ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि इसी के ऊपर भरोसे बैठे हो, वो ना बैठ पाता अच्छे से, ना चल पाता अच्छे से, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दो चीज चेक की जाती है,
अब देखो उनको चेक करने का बवासीर का तो आपको मैंने बता दिया जिसके कट होगा, सीधी सी बात अगर आपके भी है तो आप चेक करा लीजिए। पायल्स का मैंने बता दिया व्हाइट से एक सर्कल होगा। गोलियां चेक करते समय क्या करते हैं, दोनों गोलियों को यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं, दोनों गोलियों को आपसे खुद से पकड़वाएंगे ऐसे, और वो खुद भी हाथ लगा के देखते हैं, आपसे खुद से भी पकड़वाएंगे और वो खुद भी ऐसे हाथ लगा के चेक करेंगे। लिंग की स्किन आपको ऊपर करने के लिए बोलेंगे कि स्किन अप, तो जैसे आप स्किन अप करोगे होल देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे, लिंग की साइज नहीं देखते। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लिंग मेरा बहुत छोटा है, ऐसे कमेंट में आपको बहुत बता दूंगा लिंग, ठीक है, क्योंकि डर होता है, जो इंसान आर्मी की तैयारी करता है उसके अंदर डर होता है कि ऐसा नहीं हो कि प्राइवेट पार्ट का कोई ओपनली बात नहीं करता इंडिया में, ना माँ बाप अच्छे से बताते हैं, ना कोई और अच्छे से बताता है। आप अगर डॉक्टर से भी मिलोगे वो भी अच्छी वर्डिंग में नहीं बताएगा, ऐसे मोटा मोटा बता देगा। तो लिंग छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात वर्सन छोटे हो बड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दो होनी चाहिए, दोनों की साइज लगभग सेम होनी चाहिए, ठीक है, बात समझे। अब तीसरी बात, किसी के तीन वर्सन है या एक है तो मैं बताऊं उसके सारी कोई बीमारी नहीं है, उसके सारी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई वंश आगे नहीं पड़ेगा या बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो ऐसी कोई चीज नहीं उसमें, उसमें वो सारी क्षमता है। लेकिन जो मुख्य रूप से स्वस्थ मनुष्य के लिए वर्सन बताए गए वो कितने हैं, वो दो होने चाहिए, इसीलिए आर्मी में दो जिसके वर्सन है उसको पास किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है आर्मी मेडिकल में जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके चेक, और उन्हीं के जो मैंने बताया इन्हीं पे, इनके अलावा अगर आपके कोई बीमारी है आप कमेंट में बताइए, कुछ अलग आपकी बीमारी है तो उसका पाइल्स का और बवासीर का इलाज है। वर्सन आपका छोटा बड़ा अगर पानी भरता है, हाँ पानी बहुत हो के भरता है वर्सन में, ठीक है, हाइड्रोसील जिसको बोलते हैं। एक चीज और, वेरिकोनस वेन भी होती है वर्सन में, ध्यान रखना क्या होती है वेरिकोनस वेन, जो आपने पैर में देखे ना ज्यादातर लोगों के, ये वर्षण में भी होती है, जिसकी वजह से वर्षण फूल जाता है और आपका शरीर को है ना कमजोर कर देता है अंदर से, ये वर्षण में भी होती है ध्यान रखना। और जो हाइड्रोसील होता है उसमें पानी भर जाने तो कई बार बच्चे उसको इंजेक्शन से पानी वापस निकलवा लेते हैं, लेकिन उसका पुख्ता इलाज करवाना अगर आप इंडियन आर्मी का या किसी भी अपने देश की सेना में अगर जाना चाहते हो तो आपको इसका पुख्ता इलाज कराना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या ऑपरेशन वैलिड है, तो देखो वर्षण का ऑपरेशन तो बहुत ही रिस्की ऑपरेशन है, आपको लगभग 90% डॉक्टर भी सजेस्ट नहीं करते जब तक कि आप वो 100% ये नहीं बोलता कि ऑपरेशन के अलावा काम होगा ही नहीं, तब तक डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता वर्षन का ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि सजेस्ट भी करता तो ऐसे बोलता पहले शादी हो जाए, एक दो बच्चा हो जाए, उसके बाद में ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वर्षन का ऑपरेशन करने का मतलब है कि आपके शरीर की जो क्षमता है, कौन सी क्षमता बच्चे पैदा करने की, वो खत्म हो सकती है, उसके साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोसील का जल्दी से ऑपरेशन नहीं करा लेना भाई, ठीक है, ध्यान रखना। अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोलता भी है तो आप दूसरे डॉक्टर से परामर्श ले, दूसरे डॉक्टर को दिखाए, और हो सके अगर आपकी प्रॉब्लम है तो शादी के बाद एक दो बच्चे हो जाए उसके बाद में आप जरूर करा के ठीक हो सकते हैं, ठीक है। लाड़ लो बोल भारत माता की जय।